जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, हर किसान को महीने में 4000 रुपए खाते में। जो गठबंधन जो सरकार है इसमें सपा है और कांग्रेस है, जो एक तो धर्म की राजनीति नहीं करती है, उसमें मेन चीज है। जो बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, जो लोगों में जो नफरत फैलाई है बीजेपी ने फैलाई है, हिंदू मुस्लिम की जो नफरत फैलाई है बीजेपी ने फैलाई है। मोदी जी कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, कोरोना टाइम में ऐसा उड़े कि पता ही नहीं लगा कहाँ चले। अब ये मोदी जी आ गए, अब तुम देखा जाए ना हर एक आदमी पर 27000 रुपए कर्जा है जिस आदमी का आधार कार्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। रोज मैं आपको अपने शो से दिखाती हूँ कि पब्लिक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, लोकसभा चुनाव है, सेकंड चरण आ चुका है, 26 तारीख बहुत नज़दीक है और आज जहाँ मैं मौजूद हूँ 26 तारीख को वहीं भी मतदान है। मैं आज मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 63 बुद्ध विहार में। कल 26 तारीख है और इनसे जानूंगी कि किस किस को वोट देने जा रहे हैं। आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जनता मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे ही सीधा सवाल लूंगी कि इस बार क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए 2024 में, अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन। चलिए, महिलाएं भी हैं हमारे साथ, तो हमेशा कहा जाता है वुमेन फर्स्ट, तो आपसे ही सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है। मोदी जी ही आ रहे हैं और 400 पार होकर के आ रहे हैं, कोई है क्या बराबर में यहाँ। यहाँ से चारों तरफ आप घूम चुके हैं, हमारे विपक्ष में कोई है खड़ा एक मोदी जी के अलावा, वो किए ही है ऐसे गांव गांव, नाला रोड सड़क बिजली पानी क्या नहीं हमें दिए मोदी जी, तो हम दूसरे को क्यों लेंगे। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं 125 भी पार नहीं कर पाए। कह रहे हैं वो तो छोड़िए, जो कह दिए वो छोड़िए, जो कर रहे हैं वो सामने देखिए कि कौन कर रहा है और कहाँ आ रहा है, कहाँ मेरा पब्लिक खुश है, क्या पब्लिक को डिमांड है, हर कुछ हमें मिल रहा है। आप तो यहाँ पे संतुष्ट है, आप अपने एरिया में आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है। RCC हमारे मोदी जी बना के दिए हैं, एक समय था राहुल जी का टाइम हो या अखिलेश जी का या जो भी हो, ऐसे साड़ी उठा करके यहाँ लोग चलते थे, कोई इलाका नहीं था यहाँ पर में, ना जनरेटर था, सिर्फ जनरेटर 2-4 घंटा चलता था। आज जब से मोदी जी आए हैं बिजली की समस्या जो है आपकी दूर हुई है, सारा कुछ दूर है, पानी की समस्या दूर है, बिजली की दूर है, रोड की दूर है, हर जो डिमांड लेडीज यहाँ पर 9 बजे 10 बजे रात तक आता जाता, कोई परेशानी नहीं। मतलब महिला सुरक्षित है आपके हिसाब से? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल। जो मोदी जी के द्वारा जो हम लोग को सम्मान मिला, ये हम कहीं नहीं देखे अपने इस कैरियर में। हमने बस इतना देखा है कि जहाँ हमें इज्जत मिले हमें वहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। जब हम देखते, पहले हम लोग क्या था, कहीं लोग जाते थे टूर पे या कहीं भी जाए, कॉलेज पे जाए या कॉलेज के टूर से ही कहीं जाए या कहीं घूमने जाते थे, फैमिली के साथ है या नॉन फैमिली, तो पता क्या होता था कि हमें वॉशरूम के लिए बहुत समस्या होता था, यदि वॉशरूम है तो बस प्रॉब्लम आती थी कि अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाए। अब देखिए, यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो हम हर जगह रुक सकते हैं, क्योंकि हर जगह उन्होंने शौचालय दिया है, हर जगह वो स्थिति लागे की है जो कि हम उनको ना पसंद क्या कोई सवाल ही नहीं है, हम उन्हें पसंद करते, वो हमारे लिए बेस्ट है। हम चाहेंगे कि मोदी जी इनके 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 हिसाब से बेस्ट है। क्या लग रहा है सर, किन किन मुद्दों पे काम किया है आपका, यही देख के मुझे लग रहा है कि आप बीजेपी पार्टी से हैं। जी, बीजेपी पार्टी से हम सन 2010 से ही हैं। और क्या क्या चेंजेस देखे अभी तक आपने? आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, आप मुझे वरिष्ठ लग रहे हैं, ठीक है, आपने उनके भी काम देखे 70 सालों तक, उसके बाद आपने 10 साल तक बीजेपी भी काम देखे, क्या अंतर आपको लगता है, क्या क्या अंतर आए हैं? हमने जो आज तक देखे हैं, सन 2000 से हम यहाँ पे इस कॉलोनी में रह रहे हैं और उस समय से और आज तक में जो चेंजिंग आई है वो हम आपको बता रहे हैं कि हम इस रोड पे चलते थे और हमारी जब यहाँ कॉलोनी में जो है 2-4 मकान हुआ करते थे तब से हम यहाँ पे हैं, कोई भी पार्टी यहाँ आई नहीं थी जो है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डॉक्टर महेश शर्मा जब भाजपा से विधायक का चुनाव लड़े थे तब से आज भी वही हैं, आज भी वही सांसद के रूप में हमारे साथ ही हैं। यहाँ की जनता मुझे लग रही है बैक टू बैक उनको ही चूज कर रही है, क्या इसलिए चूज करती है कि वो गरीबों के साथ रहते हैं जो है, उन्होंने गरीबी में पले बड़े वो हैं, इसलिए वो गरीबी को जानते हैं। और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि वो उन्होंने यहाँ पे लोगों के लिए बहुत काम किए हैं जो है। क्या काम किया आपके हिसाब से अभी तक 10 साल? हम जो है अभी जैसा कि हमारी बहन जी ने बताया है कि हम इस रोड पे चल नहीं पाते थे, गलियाँ बनवाई हैं,
ये पहले सड़कें खराब थी, पहले सड़कें थी ही नहीं, खराब तो जब होती जब होती, यहाँ तो इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि आदमी वहाँ से। जो सड़कें बनी है ये आपके हिसाब से पिछले 10 सालों में बनी है? मेरे को आप पिछले 4-5 साल में बनी है जो है, ये माननीय महेश शर्मा जी और भाई पंकज सिंह जी विधायक जी हैं, जिन्होंने अथक प्रयास करके जो है माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के कोटे से इसे करवाया है, तो हम उनका आभार तहे दिल से अदा करते हैं। हमारी जो ये पब्लिक है इन सब का भी प्यार उन्हें बहुत मिलता है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम 26 तारीख को जो है हम उनको कम से कम यहाँ 90% और दिलवा के जो है और भारी महुआ से विजयी बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस कह रही है, गठबंधन की सरकार कह रही है कि इस बार शायद हो सकता है कि पब्लिक का जो दिमाग है वो फिर जाए, और दूसरी पार्टी को भी वो मौका दे रहे हैं, इस बार उनके हिसाब से उनकी सीटें आ रही हैं पूरी की पूरी। देखो जी, ये तो कांग्रेस की अपनी सोच है, यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं, कांग्रेस की अपनी सोच है, कांग्रेस वाले क्या कहते हैं उनके कहने में और कहने करने में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने आज तक यहाँ कभी आज तक कोई प्रत्याशी आया ही नहीं। प्रचार तो हो रहे होंगे क्योंकि अब परसों ही मतदान है, प्रचार तो किया होगा, कोई असर नहीं है किसी के माइंड में। प्रचार हुए या नहीं हुए आपके साथ? कोई प्रचार नहीं, यहाँ पर कोई प्रचार नहीं हुआ, यहाँ बीजेपी ही प्रचार कर रही है आपके साथ। ठीक, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र सिंह। यही रहते हैं जी? आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? इसे मोदी जी की सरकार। क्यों, आप इतने क्यों खुश? उन्होंने अपनी उनकी सरकारों में काम हुआ है, मोदी सरकार के क्या क्या काम? रोड बने, नाली बने, मकान मिले गरीब लोगों को, गैस। आपको मिला मकान? मेरे को नहीं मिला, लेकिन मकान बने, काफ़ी लोगों को मकान मिले हैं। मेरा मकान बना हुआ तो पहले तो मुझे को नहीं मिला, लेकिन बाकी गरीब लोगों को मकान मिला है। एक बात कही थी मोदी जी ने, 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, आए क्या? नहीं, उन्होंने तो नहीं बोला ऐसी बात, 15 लाख उन्होंने बोला है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो नहीं, ये खबर पक्की है कि 15 लाख उन्होंने बोला सबके अकाउंट में। तो पता होगा सर, 15 लाख आए आपके अकाउंट में? हाँ चलिए, क्या 15 लाख से मैं ये रोड ले सकती थी, ये गली में ले सकती थी? ये सवाल करिए, अगर 15 लाख हमें मिल जाता क्या ये सुख हम नहीं ले सकते थे? आज जो चीज़ हमें मिल रहा है तो हमें 15 लाख की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जो हमें विकास मिल रहा है बस ये हमारे संसद की तरफ से, विधायक जी रहते हैं, संसद रहते हैं, वो पूरे क्षेत्र का घूमते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम में है, किसी को राशन, किसी को अनाज, कोविड टाइम में घर घर खाना, नाश्ता, जो भी व्यवस्था हो, किट, सारा व्यवस्था पूरा इलाका में हुआ। तो हमें इस संसद विधायक की क्यों नहीं ज़रूरत है जो 15 लाख हम ढूंढेंगे? चलिए, इनको 15 लाख की ज़रूरत नहीं है, आप युवा लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं? मैं सौरभ चौहान, मंडल अध्यक्ष हूँ नोएडा से, महानगर से। अच्छा। बीजेपी का क्या चेंजेस लग रहे हैं सौरभ जी, आपको क्या क्या चेंजेस नज़र आए हैं? आप एक युवा है, देखिए आने वाली आप पीढ़ी हैं, आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं, फ्यूचर आप लोगों के ही हाथ में है। इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है कॉलोनियों में, गांवों में, शहरों में, जो विकास हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारें 60-60 साल तक रही हैं, कुछ विकास नहीं हुआ। लोग ऐसे कोई 5 विकास आप मुझे गिनवाइए। ये रोड देख लो आप, ये वहाँ से यहाँ तक आए ना, पहले जब आते तो ये बिल्कुल टूटा फूटा रोड था, यहाँ लोग गिर जाते थे, स्लिप हो जाते थे। रोड देख लो आज, सब हर घर में यहाँ बिजली है, बिजली नहीं थी उस समय 10 साल पहले, आज बिजली भी है, पानी की सुविधा भी, लाइन डल रही है बाहर, आप देख रहे होंगे रोड खुदा हुआ है। माननीय महेश शर्मा हमारे सांसद हैं संसदीय क्षेत्र के, माननीय विधायक जी पंकज सिंह जी, उनके नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं कॉलोनियों में, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक लहर चल गई है भाजपा की, सब लोग जो है भाजपा को वोट देंगे, ये हमारा मानना है। क्या लग रहा है, भगवा लहरा पाएगा इस बार? बिल्कुल, बहुत जोर शोरों से 400 पार, 400 पार होगा, इसमें तो कोई निश्चित है, इसमें तो कोई विपक्ष पार्टी तो कह रही है 125 भी नहीं ये पार कर पाएंगे। नहीं नहीं, उस पे आपका क्या? विपक्ष तो बोलना उनका काम है, बोल ही पा रहे हैं, और उनके पास है क्या बोलने के अलावा, आप बताइए। काम विकास तो उनका होता नहीं है कहीं भी, ना दिखाई देता है, केवल आपको चैनलों पे दिखाई दे जाएगा, उनका बोलना ही काम रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 500 वर्षों से पुराना जो मसला था उसको हल कर दिया, राम मंदिर बना के तैयार कर दिया, जो कहा वो करके दे दिया। और नोएडा में आप देख रहे हैं एयरपोर्ट बना, जेवर एयरपोर्ट बना, माननीय सांसद जी जब उड़न मंत्रालय रहा उन पर तो उन्होंने यहाँ लाए, कई करोड़ की लागत से वो बना है। इलेक्ट्रो बॉन्ड पे आपका क्या विचार है? इलेक्ट्रो बॉन्ड विचार क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कितने घोटाले? नहीं, इलेक्ट्रो बॉन्ड पे आपका क्या विचार है? घोटाले की बात अगर आपको ऐसा लग रहा है, इलेक्ट्रो बॉन्ड पे तो कोई बात नहीं कर रहा बीजेपी, उनसे अगर मांग रहे आंकड़ा तो वो भी नहीं दे पा रहे।
कोई घोटाला नहीं है, ये तो बस केवल बदनाम करने का होता है। जो विकास करता है उसको बदनाम भी किया जाता है, तो लोगों का प्रयास है, ऐसा है कुछ नहीं, विकास ही विकास हो रहा है भारत देश में। फिर से 400 पार होने जा रहे हैं मोदी जी, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। रामलला की बात हुई, क्या लग रहा है रामलला 400 पार करा पाएंगे? पिछली बार जब उन्होंने इलेक्शन में जब लड़े थे, मतलब पिछली बार जब प्रधानमंत्री बनने से पहले जब उनके मुद्दे थे, वो रामलला के ऊपर थे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बन गया, पिछली बार उनको भरपूर वोट मिले, इस बार क्या लग रहा है जनता किस विषय पे वोट देंगे? 400 पार निश्चित है, ये रामलला की आशीर्वाद है और जनता के भी आशीर्वाद है। योगी मोदी ये जोड़ी जब तक रहेंगे, ये 400 क्यों पूरे की पूरी सीट भी मिलेंगे, कभी ऐसे भी ना बता जाएंगे। विपक्ष पार्टी के हिसाब से एक राम मंदिर जो है वो एक सिर्फ वो उन्होंने उनको एक आस्था के उस पर उन्होंने ऐसे चुना कि पब्लिक जो है इमोशनल होएगी राम के नाम से और फिर वोट देगी, इस पर आपका क्या? ये विपक्ष के काम है, देखो 500 साल से जो केस पड़ा हुआ था, इस पर चुनाव कौन लड़ रहे थे, बीजेपी ना विपक्ष? अगर बीजेपी लड़ते तो मंदिर नहीं बनता, विपक्ष लड़ रहे थे इसलिए मंदिर बनाने में वो विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार? जी हम तो गठबंधन चाह रहे हैं। क्यों? अच्छी है वो। क्यों अच्छी है? इनके हिसाब से तो सब बीजेपी बड़ा विकास कर रही है, आपके हिसाब से क्यों अच्छी? नहीं मैडम, ऐसा है देखो, जो गठबंधन जो सरकार है इसमें सपा है और कांग्रेस है, जो एक तो धर्म की राजनीति नहीं करती है, सबसे मेन चीज है। जो बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, जो लोगों में जो नफरत फैलाई है बीजेपी ने फैलाई, हिंदू मुस्लिम की जो नफरत फैलाई है बीजेपी ने फैलाई है ओनली। जो क्या कह रहे हैं कि गठबंधन की जो सरकार है वो सिर्फ पीस फैलाती है, लेकिन जो भाजपा है, आजकल मैं भी सुन रही हूँ बार बार पीएम मोदी जी अपने भाषण में बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये एक पीस है हिंदू मुस्लिम के? आप ये समझिए, भाजपा सरकार की नीति समझिए, देश में 80 करोड़ गरीबों को राशन कोरोना काल से मुफ्त मिल रहा था, अब भी मिल रहा है, उसमें कोई जाति है कोई धर्म है सभी को मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। फिर क्यों बात कर रहे हैं बार बार हिंदू मुस्लिम की? नहीं, लोगों का और विपक्ष वालों का काम है वो तो बोलेंगे जी। नहीं क्यों, आपसे मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, तो बार बार हिंदू मुस्लिम का टॉपिक क्यों लाया जा रहा है? नहीं क्यों, हिंदूवादी पार्टी है, हिंदूवादी वो बोलेंगे भी, और लेकिन सबको सबके लिए कर रहे हैं ना सरकार, तो काम सबके लिए कर रही ना, इनके हिसाब से हिंदूवादी है। नहीं, काम है क्या बीजेपी ने? काम तो अच्छा किया, लेकिन जो धर्म की राजनीति करती है सिर्फ, यहाँ गलत है ये, काम तो अच्छा किया है सभी के लिए, हिसाब से काम अच्छा हो रहा है बीजेपी के राज में, लेकिन जो ये धर्म की और दुनिया भर के जो धर्म की राजनीति में नफरत है आपस में, जो हिंदू मुस्लिम में नफरत है, नहीं नहीं हम है, नहीं नहीं है नफरत। अच्छा मोदी जी तो ये भी बार बार मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, जो उस पे आपका क्या विचार है? जो वो तो जानकारी नहीं है खैर उसके बारे में मेरे को। हाँ जी हाँ जी मैडम, वो जो है ना जो वोटिंग हुई है ना तो उसमें जो हार रहे हैं इसीलिए वो जो ना पता नहीं क्या बोलना क्या करना। अच्छा, इसलिए आपके हिसाब से पीएम मोदी जी बौखला रहे हैं? जी जी। अच्छा, इनके हिसाब से पीएम मोदी जी बौखला रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे इस पे? अब इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूं, जो है अब मोदी जी और हमारे में और इस बच्चे में जमीन आसमान का अंतर है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष तो मोदी जी को गाली देने से नहीं थक रही है, जो है वो सबकी गाली खा के सबका विकास सबका साथ एक नारा लेके चल रहे हैं। लेकिन पहले तो एक नारा होता था, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इस लड़के से, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या इस पे हिंदू ही चल रहे हैं मुसलमान नहीं चल रहे? नहीं नहीं, मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, पहले जो नारा बनता था, सुनिए सर सुनिए, पहले नारा आता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और यही है? नहीं अब तो नारा यही नहीं, नहीं आपको सुनने में गलती हुई है, जो है आप तो वो खुद खुले में बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम सर, ऐसा नहीं है, वो खुले में बोल नहीं रहे हैं, कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं है इस 25 फुटे पे, आप देख लो कोई सब एकता के साथ रहते हैं, कोई एक भी कह दे। अच्छा ठीक है और भी लोग हैं। हाँ जी सर, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस बार बीजेपी की सरकार है। अच्छा, मोदी जी की? अच्छा, क्यों? हाँ, है? क्यों? मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, हाँ आपके एरिया में कैसा चल रहा है आपके हिसाब से काम बढ़िया चल रहा है मोदी जी का? प्रचार करने आ रही है पार्टी? हाँ खूब आ रही है जी, सारी पार्टी आ रही है, कांग्रेस की भी आ रही है, गठबंधन की? कांग्रेस की नहीं आई है, कोई भी नहीं है, कांग्रेस तो है नहीं, जेडियां नोएडा में आई हो, कांग्रेस वाले कल आए थे? आए थे जी, कल आए थे यहाँ, क्या नाम है, धामा डेरी मंगल बाजार, ये इधर आइए, क्या काम करते हैं? आए थे मतलब कहाँ आए थे? ये धामा डेरी के उधर आए थे, मंगल बाजार पड़ता है वो, बहरामपुर गाजियाबाद, मैं भी बहरामपुर से हूँ। चलिए
ठीक है, उनके हिसाब से आए थे। क्या काम करते हैं भैया? मैं पेंट काम करता हूँ, व्हाइट वाश का। क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार तो ये जी सरकार तो ठोकम ठाक है अपने जी। ये कौन सी सरकार है, नाम होता है सरकार का सर? कमल का पुल, बीजेपी। बीजेपी जिंदाबाद। खुश है आप उनकी पार्टी से? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी। महंगाई लग रही है या नहीं? महंगाई बिल्कुल भी हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा? महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन उस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस बात से सो लेते हैं कि बीजेपी की सरकार हमेशा रही है और रहती रहे हमेशा। अच्छा ठीक है ठीक है। आंटी क्या लग रहा है किसकी सरकार? मोदी की होगी, योगी की। योगी मोदी? क्यों? योगी और मोदी, योगी का ही वही चल रहा, लहर रहा झंडा। अच्छा हाँ, बीजेपी, बीजेपी का ही झंडा। अच्छा इनके हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है आंटी बिना सोचे समझे कह रही है बस कमल का ही फूल खिलेगा, परसों वोट है। क्या लग रहा है जनता किसको सबसे ज्यादा वोट देगी? कमल को ही देगी मैडम। अच्छा हाँ, आप हैं खुश हैं? हाँ, यहाँ पे जो सारा काम हो रहा है उस पे कमल महिला सुरक्षा पे आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए पहले मेरे सुरक्षा महिला साथ आती है सब सेफ चीज में, कांस्टेबल महिला आती है। हाँ काम सुन रहा, अगर कोई सुनवाई होती है तो आपसे? हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है इनके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी क्या लग रहा है किसकी सरकार? मोदी की सरकार है यहाँ। अच्छा भारत माता की जय। ठीक है ठीक है, अभी 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 और भी जनताओं से जो है हम सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ क्या लग रहा है सर किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों? मुझे यहाँ पे सारे बीजेपी वाले ही नजर आ रहे हैं, विपक्ष तो बहुत कम नजर आ रहा है। रोड महेश शर्मा ने बनवाया है, RCC रोड जो बनवाए हैं महेश शर्मा ने बनवाया है, काफी विकास यहाँ किए हैं, अब देश हित में वोट डालना है। ठीक है अगर, अच्छा ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है काफी काम किए हैं, अगर 5 सालों में आप फिर से बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं तो आप किन किन मुद्दों पे चाह रहे हैं कि अब जो हम वोट दें तो आप लोगों के भी कुछ वो होंगे पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे ये जो काम रुके हुए हैं इस पे वो जो है नजर डाले और उस पे थोड़ा सा? देखिए पहला मुद्दा है हमारे बहन बेटियों का, इज्जत का। दूसरा मुद्दा हमारा है ये देश हित का। तीसरा मुद्दा विकास तो यहाँ हुआ, महेश शर्मा मान्य किए हैं। हाँ जी सर आप क्या चाह रहे हैं किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी में क्या गलत काम हुआ पहले तो ये बताओ मुझे। अच्छा मैं बताऊं क्या गलत हुआ है, मतलब मुझसे कैसे आप? जैसे कि आपसे पूछ रही हूँ कि किसकी सरकार चाहते हैं? समाजवादी पार्टी। क्यों? क्यों क्या? ये तो सब कह रहे हैं सिर्फ विकास मोदी जी कर रहे हैं, बाकी सब बातें बोल रहे हैं। मोदी जी ने इन्होंने अभी गिनवाया नहीं? बताओ ये गिनवा रहे हैं आपके सामने, मुझे आप बताओ। देश में इतने शौचालय हर घर गांव गांव दे दिए मोदी जी ने, आज से पहले कभी सड़कें बनी है ना कांग्रेस ने दिए, ना सपा ने दिए, ना बसपा ने दिए, ये केवल मोदी जी ने कर दिखाया है। देश के गांव गांव तक शौचालय पहुंचा है और बिजली पहुंचाई है। अब इनसे आप रुको, एक एक करके बात करिए सर प्लीज, पहले मैं उनकी सुन लूं, मैं सबके पास आऊंगी और थोड़ा पीछे पीछे के बात करिए। सारे काम अखिलेश की उसमें हुए थे, मोदी जी आ गए, मेट्रो कब आई थी? कब आई थी मेट्रो? अखिलेश भैया की सरकार में ही तो आई। स्टेडियम बड़े बड़े क्रिकेटर जो खेल रहे हैं किसकी पार्टी में आई थी वो? कौन था जब? अखिलेश भैया ही तो है, समाजवादी पार्टी में ही तो आई भाई। अब ये मोदी जी आ गए, अब तुम देखा जाए ना हर एक आदमी पर 27,000 रुपये कर्जा है जिस आदमी का आधार कार्ड है इंडिया में। सही से देखा जाए तो मोदी जी की पार्टी में अगर जो अब के और आ गई तो लाखों हो जाएंगे। देखिए सर बात देखिए ठीक है, ये आप मुझे युवा ही लग रहे हैं। रोजगार की अगर मैं बात करूं, कहाँ मिला रोजगार? बहुत युवा है, बहुत परेशान है। आपको बताना चाहता हूँ नोएडा के अंदर इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, कई लाख लोगों को एयरपोर्ट पे रोजगार मिलने वाला है ना, इतने सालों में क्यों नहीं तैयार? अभी तक तो बहुत परेशान। जाके देखिए, आप जाके देखिए, तैयार हो चुका है, काम चल रहा है वहाँ, दिन रात काम हो रहा है। इनके हिसाब से रोजगार मिल रहा है? LLB कर रहा है मैंने। LLB काम करते हैं अभी? अभी मैं क्या करता हूँ नहीं, जिम तो अभी खोल ली, उससे पहले साइकिल रिपेयर करता था। हाँ साइकिल का काम था, साइकिल वाइकिलों में हवा भरता था। जिम तो अभी खोल ली मैंने, डिग्री सब धरी हुई है मेरी, नौकरी नहीं मिल रही। अब देखिए सर आप ऐसे देखिए, सिर्फ एक यही नहीं है, मैं जो सर्वे कर रही हूँ ना उसमें मैम आप जवाब दीजिए, इसमें रोजगार नहीं मिल रहा। ठीक है मिलेगा, एक बात याद रखना, आप इंटेलिजेंट हो,
जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, नहीं नहीं आपकी बात ठीक है, पढ़े लिखे ठीक है शिक्षित हैं, वो अभी ऑनलाइन सिस्टम इतना नौकरी है यहाँ पर में घर घर यंग मैन नौकरी कर रहे हैं, जो सर्वे कर रही हूँ ना मैम, जो पढ़े लिखे लोग भी है ना उनके हिसाब से उनको रेडिया लगानी पड़ रही है, नौकरियाँ मिल नहीं रही है, लोग खुश है अपने देश के लिए ठीक है। आप एक बार इधर आइएगा, आपसे बात करूंगी, आइए क्या चाह रही है किसकी सरकार? मोदी। क्यों? वो अच्छा करते हैं ना। क्या अच्छा करते हैं? रोड बनाए हैं सब कुछ, अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं, हाँ। सुरक्षा सही चल रही है आपके हाँ, हिसाब से? हाँ जी। महंगाई नहीं लगती आपको अभी? नहीं नहीं लगती, बिल्कुल सही है आपको लग रहा है? हाँ जी। चलिए इनके हिसाब से महंगाई नहीं लग रही है, हाँ ठीक है ठीक है। क्यों क्यों नहीं बोल रहे? बोलो बोलो मैडम, ये देश में जो कोरोना फरोना आया है इसको लाने वाला कौन है? अच्छा कौन लाया? वर्ल्ड में कर रहा हूँ, जब बीमारी आ चुकी हुई थी, कौन लाया आपके हिसाब से? कौन लाया? उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की रैली यहाँ पर करवाई गई गुजरात में, उसके 3700 सैनिक यहाँ आए और हमारे को प्रसाद बांट के चले गए। उसका आपके हिसाब से कौन लाया है? कौन लाया आपके हिसाब से? मोदी जी कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, कोरोना टाइम में ऐसा उड़े कि पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए। तो आपके हिसाब से कोरोना कौन लेके आया है? कौन लेके आया? मोदी जी। कितनी देखो, प्रज्ञा मिश्रा है भारत समाचार की, उसने अभी वो बलात्कार वाला केस उठाया, उसको दबा लिया गया। तो जितने हैं भ्रष्टाचार जितने भ्रष्टाचार, केजरीवाल जी की बात कर लीजिए, क्या लगता है उनको सही डाला है जेल में उन्होंने किया है? गलत डाला। जितने कांग्रेस, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जितने कांग्रेस के भ्रष्टाचारी निकाले गए वो आज कहाँ है? हर जगह के से कैंडिडेट बने हुए घूम रहे हैं, अंदर क्या जाए वो केस साबित हुआ, तो ये ड्रामा चल रहा है ना ठीक है। इनके हिसाब से चल रहे, पता नहीं कब तक चल रहा है। उनका केस साबित हुआ जो उन्हें अंदर करा गया, पता नहीं मोदी सरकार पे भी केस है, उन्हें अंदर क्यों नहीं करा गया अभी तक है? मोदी सरकार क्यों नहीं इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में बात करती, बताइए। इंडिया पे 30 लाख करोड़ का वो है कर्जा है अभी, क्यों हमारे यहाँ के निगम पार्षद क्यों है कर्जा है? सब तो रिश्वत खोल के बैठे हैं, सब तो सबके सब रिश्वत खोल के बैठे हैं। आपके हिसाब से जो है केजरीवाल को अंदर किया वो एक राजनीतिक स्टंट था? केजरीवाल ने देखो सारे काम जो यहाँ पे यूपी में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में है वहाँ वो सरकारियों में है, आपने देखा है हर उसमें केजरीवाल ने लाइट फ्री औरतों के लिए कितनी अच्छी सुविधा दे रखी है, उसने क्या गलत काम किया बेचारे ने? पानी उठा के उगेर दियो रहा है पब्लिक ही का तो डाउन करके। आप सोचो अगर आप फ्री मांग रहे हो तो कहां से लाएगा सरकार? आदमियों के लिए तो कुछ है नहीं आंटी, सुनो आदमियों के लिए तो कुछ है नहीं, सब कुछ औरतों के लिए ही है। पहली बात मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे मैं नहीं सुनूंगी किसी की बात, ऐसा फ्री मत मांगो। ये जो दिल्ली मैम, एक सेकंड, आप किसी भी वर्ल्ड की कैपिटल में जाओगे वहाँ की कैपिटल अच्छी होती है, वहाँ की एजुकेशन अच्छी होती है। अगर अभी यहाँ पे दिल्ली की जो बात करते हैं ना, वहाँ की एजुकेशन फ्री है, वहाँ के हॉस्पिटल ऐसे हैं। मैम दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है, आप वर्ल्ड में पूरे देश में चले जाओ किसी भी वर्ल्ड की कैपिटल हमेशा अच्छी होती है, हमेशा अच्छे दिखाते हैं। G20 दिल्ली में क्यों हुआ? और कहीं क्यों नहीं कराया? और क्यों नहीं कराया देश में? और कहीं क्यों नहीं होता? मैम दिल्ली कैपिटल है और दिल्ली का एरिया छोटा है, वहाँ पर जाहिर सी बात है डेवलपमेंट ज़्यादा है यहाँ से। अगर आप यहाँ की बात करते हैं यूपी की, तो मैम यहाँ का बॉर्ड एरिया है, यहाँ के लोग ज़्यादा हैं। दिल्ली का और हर देश की जो कैपिटल है वो हमेशा अच्छी होती है, आप कहीं भी किसी वर्ड में जाके चेक कर लो। केजरीवाल ने किया ना, केजरीवाल ने किया और सरकारों ने क्यों नहीं किया? शीला दीक्षित ने क्यों नहीं किया? ठीक है हाँ जी, ये भी कुछ कहना चाहते, देखो केजरीवाल का मुद्दा भी आ गया यहाँ पे। टेम्पो की ये हालत है कि 3 सवारी से 4 सवारी नहीं बैठा ले दे रहे हैं, 2 घंटे वहाँ खड़े हो गए पैदल, वहाँ से उतर के यहाँ आ रहा हूँ। पुलिस वाले इतनी बुरी हालत है, हफ्ता खा रहे हैं, अभी आचार 5-5, 10-10 लाख, 1000 रुपए के चालान कट जा रहे हैं, बेचारे चलाएंगे बच्चों को पालेंगे क्या करेंगे? किसकी सरकार है? अच्छा आपके हिसाब से इनके ऊपर जो है यहाँ पे रिश्वत खाई जा रही है? ठीक है सर, ठीक है, क्या चाह रहे हैं आप, किसकी सरकार? आप बताइए। मैं एक बात बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो अभी केजरीवाल वाली बात बोली थी ना, उस बात के ऊपर बोलूंगा कि एक टाइम था जब केजरीवाल एक जब हिंदू मुस्लिम की बहुत ज्यादा चल रही थी ना,
तो वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ा होकर बोल रहा था, जब ये बात भी चल रही थी कि मैं हिंदुओं के पक्ष में हूँ और ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब वो हिंदू के उसमें बोल रहा है। और फिर अभी उसकी कुछ वीडियोज़ बीच में वायरल हुई हैं बहुत ज़्यादा, जब वो मस्जिद में जाकर टोपी लगाकर अब वो जो भी होता है वो ट्रायंगल शेप का करते हैं, वियर करते हैं, नवाज पढ़ी जा रही है। अब उसने कर्म करें इसलिए वो जेल में है, बीच रैली में उसे चांटे पड़ते हैं, आपने वीडियोस देखी ही होंगी। ठीक है, अगर वो मस्जिद में जा रहा है तो आपके हिसाब से गलत कर्म है। वो सीएम जो है वो दिल्ली का है, दिल्ली के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, उसके लिए सब बराबर है। अब चाहे वो मस्जिद में जाए मंदिर में जाए, जब अगर वो मस्जिद जाता है सर, अगर वो मस्जिद जाते हैं तो इसमें उनका उनका वो पर्सनल ओपिनियन है सर, सबको इक्वल राइट्स है सर। अगर इक्वल राइट नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा सर? वही बात बोल रहा हूँ, या तो वो दोनों के पक्ष में रहे, वो एक तरफ आकर ये बोल रहा है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं हिंदुओं के पक्ष में हूँ, दूसरी तरफ जाके वो मुस्लिमों से बोल रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पक्ष दिलाऊंगा। वो ये एक बार में उसे क्लियर बोलना चाहिए कि हिंदू या हो या मुझे मुझे बात होन दो। अगर वो दोनों के साथ है तो भैया, अगर वो सर दोनों के साथ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि या तो वो दोनों के पक्ष में रहे कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहे, वो हिंदुओं में जाकर मुस्लिम की बुराई करता है, मुस्लिम में जाकर हिंदुओं की बुराई करता है। सुना है? अरे आप YouTube Instagram सब खोल लीजिए, जगह जगह उसके इंटरव्यूज की पूरी बात। ठीक है, इसमें मैम इनसे पूछो नहीं, इनके पास सबूत है कुछ है? अगर कोई हिंदू मस्जिद में चला गया तो मुसलमान बन जाएगा मैम? रिश्तेदार नहीं है जो मैं ये बात है। ठीक है, क्या चाह रही है सरकार? समाजवादी पार्टी। क्यों काम करा उन्होंने? लैपटॉप बटवाए, साइकिल बटवाई, मुआवजा दिया लोगों को, बहुत सारे लोगों को। लैपटॉप और साइकिल से सरकार बहुत काम करे हैं, स्टेडियम बनवाए हैं, स्टेडियम बनावाए और यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, जिसपे जो रोजगार दिया कितने नोएडा में रिक्वेस्ट करा, कैमरे लाए 108 लाया, और भी दुनिया भर की सुविधाएं ली है, उनकी बात नहीं होती आजकल उनकी। हाँ, इनसे भी यार सारी मुझे लग रहा है डिबेट मेरे आसपास युवा ही है, उनसे ही मुझे ऐसा लग रहा है सारी डिबेट इनसे ही चल रही है। क्या कह रहे हैं इन पे जवाब? हाँ, मेरा भाई कह रहे हैं कि ये जो लैपटॉप बांटा ये सब बांटा। मैं भी हाईटेक कॉलेज में पढ़ता हूँ यहीं पर ही, अभी मेरे को स्कॉलरशिप मिली है, वो मोदी की सरकार में मिली, इससे पहले मुझे कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिली। अगर आप बात करते हैं लैपटॉप के, उसमें मोदी सरकार भी काम कर, रोजगार पे आपका क्या विषय है वो है पॉइंट ऑफ व्यू? आज रोजगार मिला मैम? रोजगार क्यों नहीं मिला मैम? भाई स्कॉलरशिप कितनी मिली, कितनी मिलगी? 32,000 कितने साल की मिली है? फीस कितनी जाती है इस कॉलेज की? एक छोटी सी बात, अपनी पढ़ाई के ऊपर इतना भरोसा रहो तो इतने नंबर ला सको कि तुम्हें स्कॉलरशिप का भरोसा रहना ही ना पड़े। अरे लेकिन ऐसे आपको सर, लेकिन आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग निकलेंगे जो पढ़ लिख कर भी ठेला लगा रहे हैं, मैंने अपने खुद सर्वे में देखा है सर। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट स्कीम क्यों, हम पढ़े, हम आते हैं जनरल में, जनरल वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, मिलती है ना नागर 200-250 रुपये सरकारी स्कूल में, ठीक है इतनी ही मिलती है। हम पढ़े, मैं, मेरा भाई, मेरे बड़े भाई, हमारा पूरा खानदान यहीं पर रहता है सरकारी जॉब में, मैं और मेरा भाई यूएस स्टाफिंग में, हमें रोजगार मिला है, हम अपने ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कोई हमें सपोर्ट करे ना। अच्छा ठीक है, मोदी जी ने एक बात कही थी कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख यहाँ मिले सबको, मिले किसी को मिले 15 लाख? 15 लाख 15 रुपया ना है मैम? हाँ जी ठीक है ठीक है, एक एक लास्ट कमेंट फटाफट से। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, 15 लाख आए नहीं आए या कौन क्या कह रहा है, आज जो किसान सम्मान निधि मिल रही है हर किसान को महीने में 4,000 रुपए खाते में, वो क्या सिर्फ एक जुमला था सर? 15 लाख ठीक है धीरे, 15 लाख और 15 लाख क्या सिर्फ एक जुमला था सर? पिछली बार इलेक्शन में वोट लेने के लिए और देश के 80 करोड़ नागरिकों को राशन मिल रहा है फ्री, कोरोना काल से अब तक देखिए कोरोना में राशन मिल रहा है सबको, ऐसी नौबती की बारी कि लोगों को लगता पहले ही मिलता था राशन तो पहले। ठीक है, अभी आपने ये बात बोली थी कि मोदी ने जैसे 15 लाख का जो बोला था या वो किसको जुमला था सर, खुद अमित शाह जी ने बोला था कि वोटों के लिए हमने जुमला बोला। मैं एक बात बताता हूँ, एक बात सुनिएगा, 10 सेकंड में खत्म करिए सर, मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त बहुत 10 सेकंड में। आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ जी। आप इस एरिया का थोड़े से पीछे जाके देखिए, आपको यहाँ पे दसियों गलियां मिलेंगी जिनके घरों के बाहर ना मोदी के दिए हुए पैसों के घर बने हुए, और ये बात सौरभ भैया अच्छे से जानते हैं, सबको मिलेगा। ठीक है, इसमें जवाब, इसमें जवाब ले लेती हूँ। जो भैया कह रहा है ना, जो भाई कह रहा है 10 मकान मिलेंगे, अगर 4 भी मिल जाए
पीछे जाके देखो, चार भी मिल जाएं, चार भी मैं गिनवा सकता हूँ। वो कह रहे मैं गिनवा सकता हूँ। ऑन रिकॉर्ड, एक मिनट, ठीक है, यहाँ का माहौल बहुत गर्म हो गया, मेरे पास समय बहुत कम है, लास्ट कमेंट युवा से ले लेते हैं। यहाँ पे एक पिंटू पार्षद है, जो भाई ने बोला ना कि मकान मिलेगा, जो गाजियाबाद भी भाई यूपी में ही आता है, पिंटू पार्षद यहाँ पे है, उसने भी एक मकान बनवाया था एक चूड़ी वाले का, उसमें उसने पैसे खा गया 2 लाख, वो आदमी अभी तक वैसे ही मर रहा है। ठीक है, ठीक है, मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं आजकल बहुत मोदी जी, उसपे क्या कहेंगे आप? मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं बहुत बार बार मोदी जी, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर बार बार रोड प्रचार में प्रहार कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? चार पाँच दिन से कर रहे हैं ना, उससे पहले तो नहीं की ना, अब इलेक्शन पास आ गए ना इसलिए कर रहे हैं, उससे पहले कहाँ थे मंगल सूत्र, रानी हार कहाँ थे इससे पहले? मैम मंगल सूत्र पे क्या आपका विचार है? मंगल सूत्र क्या आप सुन नहीं रही? मंगल सूत्र के ऊपर बार बार मोदी जी कह रहे हैं। वो चीज नहीं मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो हो रहा है वो बेस्ट है मोदी जी, और सभी कोई उसमें सक्षम है, सभी कोई कह रहे हैं, और 400 पार होकर के हमारे मोदी जी अभी बार बार आएंगे। हाँ, एक मिनट और पब्लिक को, अगर एक मिनट और पब्लिक को अगर कोई जरा सा भी प्रॉब्लम है, नहीं कर ले आएंगे मोदी जी। बात विकास की है, सभी लोग 15 लाख की बात चिल्ला रहे हैं जो है। आप मुझसे ये बताइए कि आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का इलाज, आज हर आदमी फ्री का 5 लाख का इलाज ले रहा है। आज जो है जीरो खाता बैलेंस मोदी जी ने खुलवाया है, अगर कोई बात होती है सीधे पैसा उसके खाते में जा रहा है। प्लीज एक सेकंड, मुझे बहुत, मेरा कम समय है मेरे पास, प्लीज मुझे ले लीजिए। आज जो भी अगर जीरो बैलेंस खाता खुलवाया गया है, अगर कोई भी योजना आती है, कोई भी बात होती है, तो सीधे उसे अकाउंट में पैसा जा रहा, बिचौलिए खत्म कर दिए मोदी जी ने भैया। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नोटबंदी हुई है तो कराना ही पड़ेगा उस पे, क्योंकि उनको खुलवाना, वो नोटबंदी से जीरो खाता क्या बैलेंस है? जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा? अरे पैसा क्यों नहीं है भाई, जा रहे मोदी जी हर किसान के खाते में आ रहे 6,000 रुपए सालाना आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, किसान का मुद्दा उठाया, जिसके जो किसान ही नहीं होगा वो यहाँ के मजदूरी का उसके खाते में कहाँ? किसान क्या खुश है क्या? किसान का मुद्दा उठाया इन्होंने, किसान खुश है इनका। अगर ये विकास है तो लोग अपने बेटों का नाम विकास रखना बंद कर देंगे, और क्या? अगर ऐसा ही विकास होता है तो 55 लाख करोड़ का कर्जा पहुँच गया, मनमोहन सिंह ने जब दिया था 55 लाख था सिर्फ, 200 करोड़ क्या किया इन्होंने? इस कंधे पे जितने मैं हिंदू भाइयों को ढोए हैं ना, उतना अपनी बिरादरी को नहीं ढोए हैं। कह रहा मैं 2007 में यहाँ पे आया था, इस रोड चलने लायक नहीं था, हाईवे से नीचे उतरो 10 बार गिर के घर पहुँचता था, पूरा कीचड़ होता था। आज क्या रोड हाल है, इस रोड का हाल देखो, सड़क फरट मार के लोग भगाते हैं, ये विकास नहीं हुआ, 24 घंटे लाइट मिल रहा है, ये विकास नहीं है, ये विकास क्या दिखा रहे हैं? 15 लाख रुपए मोदी देंगे, हराम के खाओगे, ये हराम के खाओगे। मैं बता रहा हूँ, आप जो कह रहे हो ये हाईवे बना था, जब ये हाईवे बन रहा था उस वक्त 10वीं का पेपर चल रहे थे, ये हाईवे टूट के चार लड़कियां मर गई, ये विकास दिखा रहे हो? और विकास, और एक और बात, ये जो ये बता दो, इस रोड का बिल किसने पास करवाया था? उनसे पूछो ना, वो समाजवादी की सरकार की सब बनने पड़ी। इन भैया से पूछिए, विकास कहते किसको है, किस चीज को ये विकास मानते हैं, इनसे ये पूछिए पहले तो। हाँ, इनसे पूछिए पहले, विकास किसको कहेंगे ये? आज से भाई एक मिनट जो भाई, आज मोदी 2014 में आए हैं, उससे पहले का विकास दर देख लो, अभी का देख लो। दूसरा चीज हाँ बताओ भैया, बताओ ये देश जितना ना 2 सालों में इन बदला होगा, उतना 10 सालों में बदल जाएगा, और आगे भी अगर मोदी हट जाएगा ना तो 1 साल में नहीं बदलेगा, उतना 10 साल में बदल जाएगा। टेक्नोलॉजी इस हिसाब से चल रही है, रुक जाओ। और विकास की बात हो रही है ना, मैं गिनाता हूँ आपको, विकास किसे कहते हैं? विकास कहते हैं जो आम जनता है उसको फायदे में मिले। आप बोलते हो कि GDP पहुंच गई इंडिया की, इतनी पहुंच गई, आपको देश की हालत देख के लगता है कि GDP इतनी ऊपर होगी देश की? जो आदमी की जो हालत है उसे देख के बताओ कि देश दिया था देश को तो 55 लाख करोड़ था कर्ज देश का, आज 255 पहुंच गया, 200 लाख करोड़ का। आज भारत देश का नाम, भारत देश का डंका हर देशों में बज रहा है, ये मोदी जी की ताकत है,
और आप देख रहे हैं पूरे विश्व में मोदी जी का एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग उनके सहयोग में हैं और भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और विकसित भारत का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, उनकी समझे ना समझी और ना समझे कि क्या बोल रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं। मेरे नज़र में बेस्ट मोदी हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा आए, वो हम लोग पूरे जितने मतलब सोचते होंगे विजय कराएंगे। ये हमारे एकदम अपेक्षा ही नहीं, हमारी मनोकामना भी है, क्योंकि हमारी नज़र में मोदी ने जो सम्मान हमें दिया, जो बेस्ट शौचालय जैसे सब कुछ, घर घर बिजली जाके, घर घर गैस सिलेंडर उन्होंने खुद अपनी तरफ से दिया है, तो हमें मेरे नज़र में और हमारे पब्लिक जो भी हमारे बीजेपी है जो भी चाहेंगे, हम पूरे ये मोदी जी से संदेश जान चाहिए कि मोदी जी हम आपके साथ है, योगी जी हम आपके साथ है, हमारे डॉक्टर महेश शर्मा हम लोग सभी आपके साथ है। जय हिंद जय भारत। मैं दिलो ड्यूटी करता हूँ, जब आता था ना शाम के टाइम पे, मुझे आने में यहाँ 25 फोटे पे 2 घंटे लगते थे, अब मुझे 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। इससे ज्यादा विकास और क्या चाहिए बताओ। ये चीज यहाँ पे जब मैं आया था पहले वक्त बताया था कि मुझे यहाँ पे 24 घंटे लाइट नहीं, पता चला कि लाइट बल्ब जल रहा है ठीक है, और लाइट घर पे आता था, छत पे सोता तके माग लग जाता था, मोटर जला के मच्छर काट काट के। इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए बताओ। सपा की सरकार में कोई जैसे कोई जुर्म हो गया या कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ पे फोन कर दे पुलिस वालों को, 15 मिनट 20 मिनट लगते थे, अब बीजेपी की सरकार है 2 से 3 मिनट लगते हैं, अब वहाँ पे पुलिस वाले आए थे। अगर आप विकसित भारत बताना, अगर मोदी नहीं होता ना, आप तो खाली कर जाए, हमारा देश बिक गया होता। आप हमारे सर्जिकल स्ट्राइक ले लो, हमारा देश इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हर लीडर को एक टाइम लगता है, समय होता है, हमें वो समय दो। हमारे मोदी का जो आगे उस समय विकसित भारत का संकल्प है, उसको अगर हम पूरा करेंगे, मेरे को लगता है हमारा देश आगे नहीं सबसे नंबर वन पर होगा। जय हिंद जय भारत। देखिए परसों लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है और गाजियाबाद में भी है वो मतदान। अब इस एरिया से आपने सुना कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका, विपक्ष का भी सुना, बीजेपी का भी सुना, हमने सबका सुना, विकास की बातें भी सुनी, इनके हिसाब से क्या क्या मोदी जी जुमले बोलते हैं वो भी सुना, लेकिन इसका फैसला तो देखो 4 जून को हो ही जाएगा कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं, सबको पता चली जाएगा। लेकिन आप बाकी की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।